नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। यूपी में बीजेपी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खटखट की खबरें पहले से ही आ रही थीं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचातानी बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी के भीतर बीजेपी के भीतर खींचातानी बढ़ती जा रही है। कुछ योगी विरोधी लॉबी है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला कर रहे हैं, उनके फैसलों पर, उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ डगमगा जाएं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ डरने वालों में से नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता में योगी आदित्यनाथ के लिए भरपूर प्रेम है और सम्मान है। जब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका, 2017 में जब भाजपा ने समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंका था, तब से योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग तगड़ी है। 14 जुलाई को बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलग सुर अपनाते हुए ये भले ही कह दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है, इसको परोक्ष रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवालिया निशान के रूप में देखा गया। उसके बाद से ही पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच खटपट की खबरें छनकर सामने आने लगी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात से खासी फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ ने अपनी क्षमता का परिचय वहीं दिखा दिया जब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर जवाब नहीं दिया और प्रदेश के लिए कड़े फैसले लिए। 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जितनी सीटें सोची थी उतनी सीटें नहीं मिली। माना ये चिंता का विषय है, लेकिन इसका पूरा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ना साफ राजनीतिक कदम दिखाता है। मोदी के बाद सबसे बड़ी स्टार प्रचारक योगी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी काबिलियत वक्त वक्त पर दिखाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इसी बात से समझा जा सकता है कि जब भी स्टार प्रचारक का जिक्र होता है, पीएम मोदी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ का रहता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आदित्यनाथ की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सीएम चेहरे के रूप में उनके भविष्य को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पार्टी ने आखिरकार उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 2022 के चुनाव में एक उत्साही विपक्ष के खिलाफ उनकी सफलता ने उनकी स्थिति पर सभी संदेहों को दूर कर दिया था, जब तक कि 2024 के परिणामों ने गतिशीलता को बदल नहीं दिया। ओबीसी वोट का सपा की ओर झुकाव, नौकरशाहों को खुली छूट देने के लिए आदित्यनाथ पर उंगलियां उठाना, शासक वर्ग का मनमानी रवैया, आम कार्यकर्ता और भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच असंतोष, इन सभी ने मौर्य के महत्व को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसीलिए शायद उन्हें लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बिखर जाएगी और उनको यूपी की सत्ता की कमान मिल जाएगी, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अभी भी योगी आदित्यनाथ जमकर प्रदेश के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं और लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें चुनकर लाई थी और जनता का साथ योगी आदित्यनाथ को भरपूर मिलेगा। जब मौर्य ने 14 जुलाई को लखनऊ में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सरकार के अधिकार को चुनौती दी, तभी उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर काम की खुद ही समीक्षा कर रहे हैं। जरा सी लापरवाही कहीं दिखाई दी कि अधिकारियों को खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया उन्होंने। ताजा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 5 अतिरिक्त जिलाधिकारियों SDM ने से फाइनल रिपोर्ट मांगी है और 3 उप जिलाधिकारियों SDM से जवाब तलब किया है। आदित्यनाथ न केवल अपने साथ भगवा विचारधारा लेकर चलते हैं, बल्कि जातिगत पहचान की अस्पष्टता भी रखते हैं। क्षत्रिय ठाकुर जाति में जन्म लेने के बावजूद उनकी राजनीति और व्यक्तित्व उनकी पहचान से नहीं, बल्कि हिंदुत्व के प्रति उनके समर्पण, नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ मंदिर से जुड़ाव से परिभाषित होता है, जिसके वो मुख्य पुजारी भी हैं। अब बात केशव प्रसाद मौर्य की करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट से हार गए थे वो। सिराथू विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करीबन 6,000 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया था।
मौर्य ने अपनी हार स्वीकार करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को शानदार जीत मिली है, लेकिन यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया था। 2017 से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, तब उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, लेकिन 2022 में उनका ये विभाग बदल दिया गया। इसे जाहिर तौर पर समझ आता है कि विभाग में कुछ तो ठीक नहीं होगा, तभी तो सरकार ने विभाग छीन लिया था। उसके बाद उन्हें ग्राम विकास एवं समग्र विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का भी प्रभार दिया गया था। खुद के खराब प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन अब इनका ये बयान बता रहा है कि कब तक डिप्टी सीएम रहते हैं या कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाबा ने इनका पूरा इंतजाम कर दिया है, शायद या कहें इनका काम तमाम कर दिया है। सीएम योगी को निपटाने की तिगड़म लगा रहे केशव अब खुद तिगड़म जाल में फंस चुके हैं और सीएम योगी की रडार पर भी आ चुके हैं। यानी अब हर हाल में केशव प्रसाद मौर्य को अपनी बगावत की कीमत चुकानी होगी। अब ये भी जान लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से चाल चल रहे हैं, चलिए उन पर नजर डालते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की क्या है चाल? सोमवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ आजमगढ़ में समीक्षा बैठक की थी। उसमें सुभाष सभा नेता ओम प्रकाश राजभर को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन उसी दिन शाम को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। मौर्य ने बकायदा इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इस पर कैप्शन भी लिखा हुआ था कि लखनऊ में सुभाष सपा नेता ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई है। फोटो में दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को सियासी हलकों में लामबंदी के रूप से देखा जा रहा है। इसके बाद मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात की। डॉक्टर संजय निषाद भी राजभर की तरह ओबीसी नेता हैं और चुनाव में बीजेपी की हार के लिए बुलडोजरों पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। यूपी में एनडीए के खराब प्रदर्शन पर निषाद ने कहा था कि बुलडोजरों का बेजा इस्तेमाल हार के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। इसके अलावा भी केशव प्रसाद मौर्य आजकल जितने भी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उन सब की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से आरक्षण को लेकर सवाल भी दागा था। यहाँ पर विपक्ष के रोल में दिखते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल पूछा था। उन्होंने संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई भर्तियों की रिपोर्ट भी मांगी थी। वो पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हालांकि पत्र पिछले साल लिखा गया था, लेकिन अब रिमाइंडर भेजा गया है। हालांकि 14 जुलाई के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे, तो यही समझा गया कि शायद इन दूरियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते की सियासी घटनाओं को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ये दूरियां घटने के बजाय बढ़ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान को यूपी में लोकसभा चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन ना करने पाने की वजह बताई थी। चौधरी ने 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर इंटरनल रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी गई थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा भी की थी। क्या है रिपोर्ट का सच? रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। पार्टी के अपने आंकड़ों के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। यहां उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि अवध में उसे 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। कानपुर बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही है। इस क्षेत्र में बीजेपी को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली हैं।
बीजेपी के अंदरखाने और सहयोगी दलों की तरफ से उठ रहे सवालों के बीच हैरानी की बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है और वो चुपचाप सरकार के कामकाज में जुटे हैं। जानकार इस पर कह रहे हैं कि इस बात को लेकर आश्चर्य जता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने से बढ़ते विरोध के बावजूद संगठन की तरफ से कहीं सख्ती दिखाने वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ सीएम योगी 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी के अलावा पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।